हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। गवर्नमेंट का काम काज चालू है। आज फिर से कूलर को एकदम किनारे कर दिए हैं, यहाँ पूरा जगह हो गया है। यहाँ मेज लगा था, मेज को फिर इधर से कर दिए हैं। कुछ ना कुछ इधर उधर करते रहते हैं, तभी बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लगता है जब तक इधर उधर करना पड़ता है। बहुत देर से कमरे में बैठ के बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। लाइट फैन बंद कर दूँ तब बाहर, पानी भी पीना है मुझको, थोड़ा सा पानी पी लूँ तब चलूँ छत पे, कुछ काफ़ी कुछ काम भी हो जाएगा। गुड़ है, गुड़ खा के पानी पीते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप सारे लोग बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। खाना मेरा बन रहा है, दाल बन गई है। एक हाथ से मतलब नहीं बनता ना, वीडियो भी दिखाऊँ और बनाऊँ और दाल बन गई है। टमाटर डाल के उबाल दिए हैं। नेनुआ की सब्जी बन गई है। ये मेरे पास कटहल पड़ी है, इसके कटहल से मैं बनाऊंगी अचार, क्योंकि खाना एक ये भी है। इसको कट करके दोनों को मिला के अचार बना दूंगी। थोड़ा सा मुझको कटहल का अचार पसंद है, तो मैं इसको उबालूंगी। अभी छोटू है नहीं, गया है, कहाँ गया है? अपने बाबा को लेके, उनकी तबीयत खराब है। ये क्या है? अच्छा, ये सरकारी राशन मिला है शायद। बड़ा बढ़िया चावल इस बार का दिया है। अभी मेरा रूम जैसे का तैसे पड़ा है। तो भी सही करना है, देव चला गया उठ के स्कूल। देखिए ऐसी कंडीशन में छोड़ के उठते हैं हम सब। इसको सही करना है, फिर उसके बाद देखते हैं और काम कहाँ से शुरू करना है। कुछ कुछ को चूहा जैसे दिखा है, मैं देख लेती हूँ तब मिलती हूँ। बिस्तर सही करके, कमरा मेरा सही हो गया है। बिस्तर चारों तरफ जो सामान जहाँ का है वहाँ लग गया है। ये चादर यहाँ रखा है, इसको हटाना है, इस पर रखना है। कटहल भी मैंने उबाल लिया है, ये कटहल मेरी उबाल गई है। मैं धूप में डाल दे रही हूँ, इसको सूख जाएगी तो शाम तक इसमें मसाला डालेंगे। धूप की वजह से कुछ स्किन पर दिख ही नहीं रहा है। छोटू आ गया है, फिर कहीं गया है। खाना बन गया है, चावल सब्जी और इधर दाल रखी है। प्यास लगी है, पानी नहीं है। हाँ, सब तो पानी लाने जाएंगे। चलो आइस तो रखा है, पानी आते ही। बहुत तेज प्यास लगी है, मैं गुड़ खा के पानी पीती हूँ। गुड़ मेरा ख़त्म, ये सारा सामान ख़त्म हो गया है। कुछ सामान मंगाए हैं कल क्या, आज 3 दिन 4 दिन हो गया मंगाए। दाल वगैरह नहीं थी तो थोड़ा थोड़ा करके यहीं से ले लिए हैं। एक हफ्ते का काम चले फिर इकट्ठा सामान आएगा। ये है कंडीशन, कैसे कैसे चलेगा। चलेगा, ये चल ही रहा है। मैं पानी पी लूँ, प्यास बहुत तेज से लगी है। पानी पी लिए हैं, खाना
खाना बच्चे आएंगे तभी खाएंगे। 11:30 हो रहा है। देव गया स्कूल, छोटू मामा के पास गया है। मामा से कुछ पैसे लिए थे, लेके शादी की तैयारी किए थे, तो फिर इधर से उधर, उधर से इधर ही करना है। फिर कहीं से लेके मामा को वापस किए हैं, क्योंकि मैंने मामा से सिर्फ 15 दिन के लिए उधार मांगा था, मामा को दिए हैं। और फिर कहीं और से लेके मामा को दिए, अभी भी 1-2 महीना ले लिए हैं, देखते हैं। मामा अक्सर मतलब मामा से ले भी लेते हैं, छोटा मोटा पैसा, कहीं आना जाना हुआ, दवाई के लिए हुआ, दे देते हैं, क्योंकि उनका वापस कर देते हैं टाइम पे नहीं। खैर, इन सब बातों को छोड़िए, जो मैंने स्नैपी गर्ल के बारे में बताया था, तो मैंने जो सपना चौधरी स्नैपी गर्ल के बारे में बताया था वो 100% बात श्योर है। उनके दूसरे हस्बैंड राजवीर जी थे, उनका एक्सीडेंट में निधन हो गया था। सपना का बुरा हाल है, सपना खुद को रूम के अंदर बंद कर ली है, ना किसी से मिलना, ना जुलना, ना किसी से कुछ कहना, ना सुनना। क्या कसूर था उन दो छोटी छोटी बच्चियों का, 1 2 साल की है, 1 6 महीने की है। कहते हैं ना लोग, भगवान है, भगवान पे भरोसा रखो। सपना बहुत हिम्मत करके तब फिर राजवीर जी के साथ शादी की है, क्योंकि राजवीर के बड़े भाई सूरज से उसने शादी किया था, कोरोना में उनकी मौत हो गई थी। फिर इधर राजवीर के साथ 1.5 साल मात्र टाइम बीता है उनका, और राजवीर भी चले गए सपना को छोड़ के। ये सब सुन के देख के 2-3 दिन से मेरा दिमाग सिर्फ यूट्यूब की सारी सपना की वीडियो में देखती रहती हूँ कि कैसे ये खुद को संभालेगी, कैसे जिंदा रहेगी। मैंने बहुत पहले सपना का जब शुरू मतलब पहले हस्बैंड सूरज जी थे उनका, जब मैंने उनका भी निधन हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने उसका वीडियो देखा था। जैसे उस टाइम सपना का स्नैपी गर्ल सपना चौधरी है, इसी गाड़ी से उनकी गाड़ी चलती है, और नेहासिस को फिर एक निधि की दुनिया है करनाल से, और एक है यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा लखनऊ के सीतापुर से हैं। ऐसे कई लोग थी जिनको देख के मैं काफ़ी हिम्मत की कि मतलब ये सब मेरे उम्र में कितनी छोटी हैं, तो अगर ये सब हिम्मत कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन आज इसके स्नैपी गर्ल के बारे में तो सुन के मेरा दिमाग ही ख़राब होगा, मुझे अभी तक नहीं विश्वास तक का। अलका भी तलका का जब मैंने वीडियो देखा, काफ़ी रो रही थी वो भी। उन्होंने एकदम लाइव उनके घर पे जाके बात किया और सब कुछ दिखाया, तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं ये सच है। अलका भी तलका वो झूठा वीडियो नहीं बनाती हैं, बहुत अच्छा वीडियो देती हैं, और ख़ास करके मतलब नारी सशक्तिकरण पे वो ज़्यादा वीडियो देती हैं, औरतों को स्ट्रांग बनाने वाली बातें करती हैं। जब उनका वीडियो देखे तो एकदम मतलब क्या बताएं। और सबसे गंदी बात जानते हैं क्या हो रहा है स्नैपी गर्ल के साथ, उसके लिए इतने गंदे गंदे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मतलब कभी कभी लगता है दुनिया में इंसानियत भी नहीं है। वो जो दो बेटियां हैं उसकी उनका क्या कसूर था, धरती पे आती कितना पाप वो कर दी थी सब, क्या कहा जाए कमेंट करने वालों को। इतना गंदा कमेंट कि क्या बताएं आपको, लग ही नहीं रहा है कि मतलब इतना दिमाग लोगों का गंदा भी हो सकता है। कोई बात नहीं, जिसको जो समझ में आता है करता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भगवान जी है ना, भगवान जी किसी को छोड़ते नहीं हैं, आगे भी चलते हैं, पीछे भी चलते हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। इसलिए कभी कहने से पहले सोचा करो, 10 बार सोचा करो, हो सकता है कल को तुम पे भी आ जाए ये परेशानी, तो क्या करोगे।
इसलिए कमेंट लाइक और कमेंट और अपने शब्दों को सोच समझ के बोलो। सपना को भगवान हिम्मत दे, फिर से खड़ी हो जाए अपने बेटियों के लिए, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। पास में होती, अगल बगल होती तो मैं जरूर गई होती मिलने, पर बहुत दूर हैं, चाय के भी मैं नहीं जा सकती हूँ और ना मिल सकती हूँ। अब क्या किया जाए, यहीं से उनके लिए अफसोस पे अफसोस हो रहा है। बस वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, कल के ब्लॉग में। फिर से राजवीर जी को भगवान, राजवीर जी की आत्मा को भगवान शांति दे, उनके परिवार को हिम्मत हौसला दे। इससे आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सपना फिर एक बार खड़ी हो जाए।